दोस्तों, अगर आप अपने ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी कलाइयों को चौड़ा बनाना चाहते हैं, तो फोरआर्म्स मसल्स का वर्कआउट जरूर किया करो। और आज का ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूं, देखो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग पंजा लड़ाओ अगर किसी से और उसको आसानी से हरा दो, तो अपनी फोरआर्म्स को मजबूत बनाओ। आज के वीडियो में ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको आप जैसे ही परफॉर्म करना शुरू करोगे, कुछ ही दिनों में आपके फोरआर्म्स में काफी ज्यादा असर दिखेगा और धीरे धीरे आपकी फोरआर्म्स मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं वेट रोटेटिंग एक्सरसाइज। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना होता है, आप चाहो तो प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, वेटेड प्लेट्स का, या फिर आप किसी भी ऐसी भारी चीज को इस्तेमाल कर सकते हो जिसको आप अपने हाथों से घुमा सको, रोटेट कर सको अपने फिंगर्स से। देखिए, जब भी हम अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी चीज को होल्ड करने में, तो हम अपने फोरआर्म्स मसल्स का यूज करते हैं। इस एक्सरसाइज को कुछ हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। एक बार हमें राइट डायरेक्शन में रोटेट करना होता है और उसके बाद हमें लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना होता है। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में हमें किसी भी भारी रॉड या कोई भी स्टिक हो जो थोड़ी सी भारी हो, उसको पकड़ना होता है अपने हाथों में और कुछ इस तरीके से पोस्चर को परफॉर्म करना होता है। इस पोस्चर को करने से हमारी ग्रिपिंग काफी स्ट्रांग होती है, उसके साथ में हमारी जो फोरआर्म्स मसल्स है वो भी स्ट्रांग होती है, उनमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इसमें आप आगे हाथ करके भी कर सकते हो और साथ में अपने हाथों को पीछे से भी उठा के इस एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 15 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। ध्यान बस इस बात का रखें कि आप जितना भारी उठा सके वजन, उतना भारी से भारी आपको यहां पे वजन उठाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके जो फोरआर्म्स है उनमें काफी गर्मी आनी चाहिए और उसमें काफी पंप आना चाहिए, तो इसका मतलब आप ये एक्सरसाइज को बिल्कुल सही कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है पुलअप। अभी देखिए, नॉर्मल पुलअप तो हम सभी को पता है, लेकिन अगर आप लोग अपने फोरआर्म्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आप लोग किसी रस्से को या फिर किसी टॉवल को किसी बार पे लटका के और कुछ इस तरीके से पुलअप करना, ये काफी ज्यादा आपके जो फोरआर्म्स हैं उन पे असर करता है। थोड़ी सी ये हार्ड है, बट आप लोग जब करने लगोगे तो धीरे धीरे आपसे होने लगेगा। और अगर आप लोग इसके अच्छे से पोस्चर परफॉर्म करने लगोगे तो आपके फोरआर्म्स बहुत ही जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे। आप लोग इस एक्सरसाइज के करना 3 सेट 5 रिपीटेशन की। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी रिस्ट कर्लिंग और ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है। इन एक्सरसाइजेस को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखिए, रिस्ट कर्ल में हम करते क्या है कि हम यहाँ पे अलग अलग पोजीशंस में अपनी रिस्ट को घुमाते हैं, तो हमारे फोरआर्म्स पे अलग अलग जो मसल्स हैं उनमें वर्क होता है। तो आप लोगों को अलग अलग एक्सरसाइजेस दिख रही होंगी जो कि अलग अलग हमारे जो फोरआर्म्स मसल्स हैं उनको ट्रेन करती हैं। आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हो, चाहो तो डंबल से कर सकते हो, या फिर आप किसी भी वेटेड चीज को अगर आप अपनी फिंगर से पकड़ोगे तो भी आपको यही जो सेम असर है, सेम इफेक्ट पड़ेगा आपके फोरआर्म्स पे। इन एक्सरसाइजेस के हमें करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है रिस्ट रोलर। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप अपने फोरआर्म्स को जल्दी से जल्दी काफी स्ट्रांग और काफी चौड़ा बनाना चाहते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में हम लोग कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करते हैं। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि रोलर हमें बनाना कैसे होता है, घर पे अगर आप बनाना चाहते हो तो इसमें आप किसी भी छोटी सी रॉड ले सकते हो या कोई लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हो, उसके साथ में कोई पाइप ले सकते हो, उसमें कुछ आप लोग रस्सी फंसा के और नीचे उस रस्सी में वेट, कोई भी वेट लगा सकते हो, किसी भी तरह का भारी वजन लगा के, और आप अपने घर पर ही इसको रिस्ट रोलर को बना सकते हो और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में एक बात आप लोग ध्यान रखना कि अपने हाथों को एकदम सीधा रखना जब इस एक्सरसाइज को करना, और धीरे धीरे रोलर को घुमाना, मतलब धीरे धीरे घुमाना एकदम जब रोलर टाइट हो जाए उसके बाद धीरे धीरे उसको नीचे लाना, तभी आपके जो फोरआर्म्स मसल है उनमें बहुत ज्यादा एक्टिवेशन होगा। और अगर आप लोग अपने फोरआर्म्स को जल्दी चौड़ा करना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर करना। इस एक्सरसाइज को आप जितनी देर परफॉर्म कर सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसको बोलते हैं रिवर्स रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज में क्या करना होता है, बस आपको अपने पंजों को थोड़ा सा रिवर्स कर देना होता है, डायरेक्शन बदल देनी होती है और कुछ इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इस पोस्चर को परफॉर्म करने से आपके जो फोरआर्म्स
आर्म्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 4 सेट 10 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं डंबल स्विंग। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दो अलग अलग वेरिएशन आपको दिख रहे होंगे। जो आपको लेफ्ट साइड में वेरिएशन दिख रहा है ये नॉर्मल डंबल स्विंग वेरिएशन है, और उसके बगल में जो आपको राइट साइड में वेरिएशन दिख रहा है, इस वेरिएशन को आप लोग तब परफॉर्म कर सकते हो जिस दिन आप लोग अपने बाइसेप को ट्रेन करो। इस पोस्चर को परफॉर्म करके आप अपने बाइसेप और अपने फोरआर्म्स दोनों को ही एक साथ में ट्रेन कर सकते हैं। तो ये पोस्चर बहुत ज्यादा कारगर है अगर आप अपने फोरआर्म्स मसल्स को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग रिवर्स कर्ल। इस एक्सरसाइज में आपको खड़े होकर रिवर्स कर्ल को करना होता है। इस एक्सरसाइज को करने से भी हमारे फोरआर्म्स में काफी गर्मी आती है, काफी ज्यादा पंप मिलता है और हमारे फोरआर्म्स बहुत ही जल्दी चौड़े हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज के आपको करने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो हमारे फोरआर्म्स के साथ में हमारे बाइसेप को भी थोड़ा थोड़ा ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज को बोलते हैं फिंगर प्लेट लिफ्टिंग। देखिए इसमें क्या करते हैं, अपने फिंगर से हम किसी भी भारी चीज को उठाते हैं और फिर नीचे करते हैं फिर उठाते हैं, और आप अगर चाहो तो अपने फिंगर से चीजों को उठा के और थोड़ी देर तक उसको रोक के भी रख सकते हो। जब आप रोक के रखते हो तो ये सारा जो टेंशन है, सारा जो स्ट्रेचिंग है वो आपके फोरआर्म्स में होता है, और इस वजह से हमारे फोरआर्म्स में बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी। और अगर गर्मी फील हो रही है तो इसका मतलब आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। ये एक्सरसाइज करने से भी हमारे फोरआर्म्स काफी तेजी से ग्रो होते हैं। इस एक्सरसाइज के हमें करने होते हैं 3 सेट 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो कि है रिस्ट कर्ल बिहाइंड बैक, मतलब पीछे से आपको अपने हाथ को पीछे ले जाके और इस तरीके का पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इस एक्सरसाइज में भी आप जितना भारी वजन उठा सके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने भारी बारबेल को उठा के आप इस एक्सरसाइज को कर पा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के आपको लगाने होते हैं 4 सेट 12 रिपीटेशन के। सारी एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आप अपने फोरआर्म्स मसल्स को काफी ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।